हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रेवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूके के टैक्स सिस्टम के बारे में कि अगर आप कहीं काम करते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, कितना एनआई पे करना पड़ता है, आपका जो एम्प्लॉयर है उसको अगर आपको वो काम पे रखता है तो उसको भी कुछ एनआई पे करना पड़ता है, वो कितना होता है, ये सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मैंने कुछ वेबसाइट से ली है या फिर कुछ मैंने यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ली है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आप यूके में आते हैं और काम शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द वीडियो ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर तो स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि अगर आप काम करते हो यूके के अंदर एज अ पार्ट टाइम 20 आवर्स, तो आपको कोई भी टैक्स, कोई भी एनआई नहीं पे करना होता। आपकी आप पे स्लिप पे देखोगे जो रेट है मिनिमम, अगर आप 20 आवर्स काम कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए जो यूके है उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है, अगर आप एक साल के 12,570 पाउंड कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स, कोई भी एनआई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो लोग इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो साइड में भी शो होती रहेगी, वो आप पढ़ भी सकते हो वीडियो को रोक के, ताकि आपको इजी हो उस चीज़ को कंफर्म करना या क्लियर करना। तो अगर आप कमाते हो 12,571 से ज़्यादा एक साल का, 12,571 पाउंड से ज़्यादा एक साल का कमा रहे हो, और ये जो पेमेंट है ये 50,270 तक है, यानी इस कैटेगरी के बीच में अगर आप आते हो आपकी पे, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है 20%। आपकी जो सैलरी है उसका 20% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एनआई है वो अलग रहेगा, उसका मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं टैक्स के बारे में बात कर लेता हूं। अगर आपकी जो कैटेगरी है ये मैंने पहले जो बताई उसमें कोई टैक्स नहीं था, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है बेसिक रेट है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है हायर, यानी कि आपकी हायर सैलरी है। हायर सैलरी कहाँ से शुरू होती है? अगर आपके साल के 50,271 पाउंड हैं और वो कैटेगरी की कैपिंग है लगभग 1.5 लाख पाउंड तक, यानी 1.5 लाख पाउंड से कम और 50,271 पाउंड से ज़्यादा, इस कैटेगरी के बीच में अगर आप आते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 40%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख पाउंड से ज़्यादा है पर ईयर, तो आपको 45% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है टैक्स बढ़ता रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एनआई का क्या हिसाब किताब है। एनआई होता है, मैं इनको ये भी बताऊंगा वीडियो के एंड में आपको कि इन चीज़ का टैक्स का या फिर एनआई का ये गवर्नमेंट करती क्या है, कहाँ यूज़ करती है। तो एनआई की अगर मैं बात करूँ, अगर आप काम कर रहे हो और आपको वीकली मिल रहा है 190 पाउंड से 967 पाउंड पर वीक, तो आपको 13.25% आपको एनआई पे करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो पर वीक 967 पाउंड से ज़्यादा का, तो आपका जो एनआई है वो कम हो जाता है, वो रह जाएगा 3.25%, यानी 10% लेस हो जाएगा अगर आप क्या कहते हैं वीकली 967 पाउंड से ज़्यादा अर्न कर रहे हो। यानी मंथली लगा लो, अगर आप मंथली 4,000 पाउंड से ऊपर की अर्निंग कर रहे हो तो आपका एनआई कम हो जाएगा। टैक्स तो बढ़ जाएगा हालांकि, पर आपका एनआई वो रह जाएगा 3.25%। तो ये तो हो गई हमारी एनआई की बात, आपको एनआई का पता लग गया। बाकी वीडियो के आगे या फिर एंड में मैं आपको एक कैलकुलेटर दूंगा, जहां पे आप कैलकुलेट करके ये जान पाओगे कि अगर आप इतनी अर्निंग कर रहे हैं तो इतना हमें टैक्स देना पड़ेगा, इतना हमें एनआई पे करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आप उस कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना जो एम्प्लॉयर होता है हमारा, जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, अगर वो हमें काम पे रखता है, एनआई पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो
उसको भी टैक्स पे सॉरी उसको भी एनआई पे करना पड़ेगा, टैक्स नहीं एनआई पे करना पड़ेगा। तो अब हम उसके एनआई की बात कर लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर को कितना एनआई हमें रखने के लिए या फिर हमें पे करने के लिए पे करना पड़ता है। तो अगर आप अर्न करते हो 123 पाउंड से 175 पाउंड पर वीक, तो आपको कोई भी आपके एम्प्लॉयर को कोई भी एनआई पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर वीक की मैं बात कर रहा हूँ, 123 से 175 पाउंड पर वीक अगर आप अर्न कर रहे हो। उसके बाद अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा है, 175 पाउंड से ज़्यादा है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको 15.05% आपके रखने के लिए गवर्नमेंट को एनआई पे करना पड़ेगा। इसका मैंने रफली आइडिया लगाया। अगर आप 40 आवर्स पे काम कर रहे हो, 40 आवर्स पर वीक और 10 पाउंड पर आवर आपको मिल रहा है, तो बेसिकली ये लगा लो 10 पाउंड तो आपको वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर आपका, और 1 पाउंड वो पर आवर के हिसाब से एनआई पे कर रहा है, यानी आपको रखने के लिए उसको 11 पाउंड देने पड़ रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया, ये फिर सिस्टम होता है यहाँ का, एम्प्लॉयर को भी एनआई पे करना पड़ता है। उसके बाद मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ कि जो टैक्स कटता है हमारा, जो एनआई कटता है हमारा, उसको गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे यूज़ करती है। तो सबसे पहले बात ये है कि टैक्स है जो हमारा, मैंने वेबसाइट से जहाँ से ये डिटेल ली है वो आपको शो कर दूँगा। तो ये डिफेंस में, यानी कि जो आर्मी वगैरह है, पुलिस वगैरह है, कुछ इस तरह के चीज़ों में यूज़ करती है टैक्स को। हेल्थ सेक्टर में यूज़ करती है, वेलफेयर में यूज़ करती है, सोशल सर्विस में यूज़ करती है, स्कूल्स जो फ्री है मोस्टली बच्चों के, तो उसमें वो स्पेंड करती है इस पैसे को। यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एडमिशन देती है जो यहाँ के पीआर हैं, कुछ उनको कम पे करना पड़ता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है, वहाँ वो पे करती हैं। ट्रांसपोर्ट में स्पेंड करती है, तो यहाँ तो ये टैक्स को स्पेंड करते हैं जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद जो एनआई जो हमारा कटता है, वो हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है मैटरनिटी में, यानी कि अगर कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो वो एक साल के लिए या फिर 9 महीने के लिए वो छुट्टी पे जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको पे करेगी सर्वाइव करने के लिए, तो वहाँ पे वो पे करते हैं। पेंशन, जब आप रिटायर हो जाओगे, एक एज लिमिट होती है, अगर उसको आप पूरा कर लेते हो तो आपको पेंशन मिलती है एवरी मंथ या फिर एवरी वीक जैसे भी, तो वो पेंशन में स्पेंड करते हैं। लो इनकम है जिनकी, उनको थोड़ा हेल्प करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जो हमारा एनआई है वो यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा कि यूके का टैक्स सिस्टम किस तरह से है। बाकी वीडियो में आगे आपको थोड़ा और बताऊँगा जहाँ पे आप टैक्स कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो एक वेबसाइट है जिसका जो URL रहता है theaccountancy.co.uk, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो तो आपको कहीं और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप कौन से साल का टैक्स है जो वो चेक करना चाहते हो, तो मैंने इसमें 2021 से 2022 सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एवरी ईयर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ अप कर देते हैं टैक्स या कम कर देते हैं, तो इसलिए आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पे फ्रीक्वेंसी मैं वीकली कर सकते हो, मंथली और ईयरली, मैं वीकली करता हूँ फिलहाल। उसके बाद आपने इंटर करनी है कि आपकी वीकली जो वेजेस है या सैलरी है वो कितनी है। अगर आप 10 पाउंड पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हो और 40 घंटे आप काम करते हो, तो आप वेजेस बनेगी 40 × 10, तो 400 पाउंड बनेगी। तो फिलहाल मैं इसमें एंटर करके देखता हूँ। अगर आप 200 पाउंड अवीक का कमाते हैं तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा या नहीं, तो मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो जो अगर आप 200 पाउंड पर वीक कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और आपको एम्प्लॉय को 2 पाउंड आपका एनआई हो सकता है, और उसके बाद आपका एम्प्लॉयर है जो उसको 4 पाउंड एनआई पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पार्ट टाइम यूके में काम करते हैं तो आपका टैक्स वगैरह नहीं कटता, क्योंकि इसकी एक लिमिट है जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम वीक के 400 पाउंड कमा रहे हैं, तो उसके बाद मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो 400 पाउंड हम वीक के अगर कमा रहे हैं तो हमें 32 पाउंड टैक्स पे करना पड़ेगा, 26 पाउंड एनआई पे करनी पड़ेगी, और हमको जो पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 342 पाउंड। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको भी एनआई पे करनी पड़ेगी, उसको पे करनी पड़ेगी 32 पाउंड, क्योंकि हमें मिल रहे हैं 400 पाउंड नीचे की तरफ, तो एम्प्लॉयर है हमारा जो, उसको हमें 40 घंटे काम करने के लिए पे करने पड़ेंगे 432 पाउंड। ये 32 पाउंड है जो वो गवर्नमेंट को जाएंगे एनआई के लिए।
तो इस हिसाब से ये एक जो कैलकुलेटर है आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि कितनी पेमेंट आपको मिलेगी और कितना टैक्स कटेगा और कितना आपका NI कटेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं और आप आसानी से चेक कर सकते हो। बाकी एक एडवाइस मैं आपको और देना चाहूँगा, जब आप UK के अंदर फर्स्ट टाइम जॉब शुरू करते हो तो आपको टैक्स है वो फर्स्ट जब तक आप 12,570 पाउंड नहीं कमा लेते UK के अंदर NI नंबर पर, तब तक आपका टैक्स नहीं कटता। NI कटेगा, आपका टैक्स नहीं कटता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि इसकी साल की सैलरी कितनी है, तो वो उस हिसाब से वहाँ पे टैक्स नहीं काटेंगे आपका। उसके बाद आपका टैक्स कटना शुरू होगा, क्योंकि अगर आप खुश हो रहे हो कि आपका टैक्स नहीं कट रहा, वो कटेगा ही। पहले पहले जब आप शुरू करते हो जॉब तब वो नहीं कटता, उसके बाद आपका टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपनी चेक कर सकते हो वेजेस, कितना आपको टैक्स का पे करना पड़ेगा, कितने आप अगर अर्निंग करते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।